अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। 8th क्लास की हमने आज कंप्यूटर साइंस स्टार्ट की है। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। इससे पहले हमने 6th-7th के कंप्यूटर के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग वो लेक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के एमसीक्यूज तकरीबन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो PSC को, FPSC को, FIA को, किसी भी किस्म का एग्ज़ाम हो। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे डिफरेंट PSC के एग्ज़ाम्स की, तो आप लोग उसमें ऑब्जर्व खुद करेंगे। उसमें कंप्यूटर के MCQs भी होते हैं, उर्दू के भी, इस्लामियात के भी, और बेसिक मैथ के, इंग्लिश के, साइंस के। तो उनमें हर किस्म के एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं, और करंट अफेयर खास होता है। करंट अफेयर के मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग कंप्यूटर की जो ये मैं सीरीज स्टार्ट की हुई है, इनको ही कर लें। तो ये भी बेसिक MCQs हैं, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे PSC के एग्ज़ाम्स में। आज जो हमने चैप्टर कवर करना है वो है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस। आज हम इसका फर्स्ट MCQs देखते हैं। डैश इज अ इंटरकनेक्शंस ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड इन द सेम रूम। सेम रूम में अगर दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए हैं, उसको किसके थ्रू से हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो है नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू से हम उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, नेटवर्क ऑफ ओनली फ्यू कंप्यूटर टू लार्ज नेटवर्क इज कॉल्ड। फ्यू कंप्यूटर्स में से लार्ज नेटवर्क अगर हम कनेक्ट कर लें एक दूसरे के साथ, तो उसको किसके थ्रू से हम कनेक्ट कर सकते हैं लार्ज कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ, वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए से हम बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, 3 अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड द डिवाइस इन डैश प्लेसेस। कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो कितने प्लेसेस पे जुड़ सकता है डिवाइसेस के साथ, वो होता है ऑफिस, कंपनी एंड कंप्यूटर लैब। ये इन सब जगह पे क्या हो सकता है, वो जुड़ सकता है। नेक्स्ट है जी, अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डैश बेसिक कंपोनेंट। कंप्यूटर नेटवर्क कितने बेसिस कंपोनेंट पे कनेक्ट होता है, 4 बेसिस कंपोनेंट होते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, वह नीचे गिवन है कि सेंडिंग डिवाइस, नेक्स्ट है जी रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, एग्जांपल ऑफ रिसीविंग द डिवाइस इज NR। इसमें से कौन सी एग्जांपल है रिसीविंग डिवाइस की, वो है प्रिंटर्स और स्टोरेज डिवाइसेस। ये दोनों के दोनों किसके रिसीविंग डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डैश डिवाइस इज आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर यूजर्स। इनमें से कौन सी डिवाइसेस जो यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर से और दूसरे डिवाइसेस के लिए, वो होती है कम्युनिकेशंस डिवाइस। नेक्स्ट है जी, मोडेम इज़ द एग्जांपल ऑफ डैश डिवाइसेस। मोडेम किसकी एग्जांपल है, मोडेम यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशंस के लिए, तो मोडेम इधर किसकी एग्जांपल हुई, कम्युनिकेशंस की। नेक्स्ट देखते हैं 8, मोडेम के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस कर सकते हैं डिफरेंट पीपल्स के साथ। नेक्स्ट है, डैश इज़ अ मीडिया और अ चैनल थ्रू विच डाटा और इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफ़र। किस मीडिया या चैनल्स के थ्रू से हम अपने इंफॉर्मेशन या डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो कौन सा मीडिया होता है, वो होता है ट्रांसमिशन मीडिया। इसके थ्रू से हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन और डाटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, डैश इज़ एन आर द कंप्यूटर डैट फैसिलिटेट द होल नेटवर्क बाई प्रोवाइडिंग द वराइटी ऑफ द सर्विसेज। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो कि डिफरेंट वराइटीज प्रोवाइड करता है, वो है सर्वर। सर्वर के ज़रिए से हम डिफरेंट नेटवर्क एक साथ ही प्रोवाइड कर देता है और डिफरेंट काम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, टाइप ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर कंप्यूटर। जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो कितने किस्म के सर्विस प्रोवाइड करता है, 5 किस्म के। वो नीचे की होने के प्रोसीडिंग डाटा एंड यूजिंग ऑथेंटिफिकेशन, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट। ये सारे के सारे क्या करता है, सर्वर कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, लेस पावरफुल कंप्यूटर हैज़ कंपेयर टू बी द सर्वर कंप्यूटर इज कॉल्ड टू बी द। जो लेस पावरफुल कंप्यूटर हो सर्वर से भी, वो कौन सा होता है, वो क्लाइंट कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या आएगा, क्लाइंट आएगा। ये आप लोग राइट डाउन कर लें, वो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज के MCQs हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज हमने 8th क्लास के कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs किए हैं फर्स्ट चैप्टर के। इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे कंप्यूटर के MCQs सॉल्व किया करेंगे। आप लोग कोशिश क्या करें, जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रही होती हूँ, आप लोग उनको डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 या 2 बार तो सुन लिया करें, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। सब आप लोगों ने सभी बुक्स की तैयारी करनी होती है,
क्योंकि जो एजुकेटर्स की जॉब्स आएंगी उनमें तकरीबन 4 से लेके 8 तक की आल बुक्स इंक्लूडेड होंगी और 9th-10th की अपने सब्जेक्ट की बुक्स इंक्लूडेड होती हैं। तो आप लोगों ने सभी बुक्स को अच्छे से तैयार करना होता है।